जसपुर में प्रथम द्वितीय तृतीय केंद्र पर तौल सेंटरों का शुभारंभ किया गया है। तौल सेंटरों का शुभारंभ प्रभागीय संभागीय वरिष्ठ विपणन अधिकारी हेमचंद्र जोशी के निर्देशन में हुआ है। धान खरीद तौल सेंटर इंचार्ज के सिंह ने बताया कि वर्ष 2023-24 की धान खरीदी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर शुरू कर दी गई है। सरकार के निर्देश के अनुसार 72 घंटे में भुगतान कर दिया जाएगा। अभी तक करीब करीब 1000 क्विंटल धान की खरीदी भी की गई है। वहीं पुराने काश्तकारों को पुनः पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा, पूर्व कराए गए रजिस्ट्रेशन को ही अपडेट कराकर कुछ संशोधन कराना होता है तो वो करवा सकते हैं। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर यहाँ हम जो माल तुला हुआ है वो उठ नहीं रहा, मिलों वाले माल ले नहीं रहे, जो इसकी उठने की वजह से ना उठने की वजह से जो धान है आगे लेबर तोल नहीं रही धान। सर अधिकारी तो तोलने को कह रहे हैं लेकिन लेबर नहीं तोल रही, लेबर कह रही हमारा माल घट रहा है, उसको माल उठ नहीं रहा है, मिलों में माल उठ के जाए तो हम आगे तोलेंगे। तोल तो हो रही है लेकिन तोल ना के बराबर है, और यहाँ ये धान जो तुला है इसके चक्के लगे हैं। तोलने वालों को मैंने बताया, बाबूजी को बता रहे, कह रहे कि मिल वाले धान नहीं उठा पा रहे हैं और ये जब धान उठेगा तो उसके बाद में ये टोल मतलब आपकी जो है काम का हमारी धान खरीद का सत्र 23-24 प्रारंभ हो चुका है और धान खरीद की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है शासन के द्वारा। आज दिनांक तक हमारी लगभग 1000 क्विंटल की धान खरीद पूर्ण हो चुकी है और अब की बार धान कॉमन का रेट 2183 रुपये पर क्विंटल और धान खरीदे का रेट 2203 रुपये पर क्विंटल सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। MSP तो सबसे पहली राहत तो पंजीकरण में मिल रही है क्योंकि अब की बार पिछली बार जिन्होंने जिनकी किसानों ने पंजीकरण कराए हैं उन्हें दोबारा से पंजीकृत कराने की जरूरत नहीं है और केवल उन्हें अपने जो पंजीकरण की संख्या है उसको अपडेट करवाना है डिटेल को। यदि उसमें किसी बैंक खाते या किसी अन्य चीज़ में कोई चेंज करवाना चाहते हैं तो वो किसान करवा सकते हैं, बाकी कोई नया पंजीकरण कराने की उनको आवश्यकता है।